दोस्तों, जैसे आप जानते हैं भली भांति कि देश में किसी भी प्रकार से कोई भी अनहोनी होती है, किसी भी प्रकार से कोई घटना घटती है जो कि जिसमें हो सकता है कि अलग अलग प्रकार जो भी घटना हो, जैसे ट्रेन हादसा हो गया, लव जिहाद का मामला हो गया, कहीं पर बम विस्फोट हो गया, कहीं पर गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, किसी भी प्रकार से जो घटना है वो जब घटती है तो कुछ दिन तक चहल पहल होती है। उसमें सारे मीडिया, सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अलग अलग पहलू बताए जाते हैं तथा उसके बारे में क्या है, क्या क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, ऐसा चीज़ बताया जाता है। इसी प्रकार से आपने देखा कि उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुई जिसमें कि भयंकर दुर्गति हुई तथा बहुत सारे ऐसे मासूम लोग थे, बहुत सारे ऐसे निर्दोष लोग थे जिन लोगों की मृत्यु हो गई। और खैर, इसमें आपने देखा कि वहाँ पर किस तरह से बोला जा रहा है कि इस प्रकार से जांच हो रहा है, उसमें CBI लगाई जा रही है, उसमें अलग अलग प्रकार से संस्थाएं लगाई जा रही है जो कि इसकी जांच करेगी तथा कौन निर्दोष है, कौन दोषी है, इस चीज़ को देखा जाएगा तथा जो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है उसकी जो झलक है वो साफ होगी तथा ये चीज़ बताया जाएगा कि कौन दोषी है, इसके लिए क्या हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इतने जांच होने के बावजूद भी देश को अभी तक पता नहीं चला आखिर उसका दोषी कौन था और आखिर इतने जो निर्दोष लोग जो मरे हैं उसको उसका जिम्मेदार कौन है और किस कारण से ऐसा हुआ, अभी तक नहीं बताया गया है। लेकिन आप सोचिए कि कैसी विडंबना है और किस प्रकार से ऐसा जाँच किया जा रहा है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन दोषी है इसका। लेकिन इसमें एक चीज़ साफ होने के बावजूद भी कि जो उसका सिग्नल जो JE था वो आमिर खान था, उसका नाम आमिर खान था और वो व्यक्ति अभी तक लापता है, अभी तक उसका आता पता नहीं चला है। इसके अलावा जो स्टेशन मास्टर था उसका नाम शरीफ था और अभी तक उसका भी आता पता नहीं, वो भी फरार है। लेकिन अभी तक किसी के द्वारा यह नहीं बोला गया कि इन लोगों हो सकता है कि ये लोग दोषी होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट पता नहीं किस आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन आप सोचिए कि जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन है उससे भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं और वो भी इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तानी लोग इन्हें फंडिंग करते हैं, इन्हें भर भर करके पैसे देते हैं। तो एक चीज़ देखा गया कि वो दोनों लोग फरार हैं और हो सकता है कि उनके साथ कुछ ऐसा सेटिंग वगैरह होगा, लेकिन खैर हम नहीं बोलते हैं कि सेटिंग होगा। लेकिन आप सोचिए कि जो पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं जो हमेशा से भारत को बर्बाद करने की साजिश रचते रहते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद रहता है कि किसी तरह से हम भारत को बर्बाद करें, तो उन लोगों को आतंकवादी भेजने की, भारत में आतंकवादी भेजने की क्या ज़रूरत है, वो लोग भारत में आक्रमण क्यों करेंगे। जब उन लोगों के द्वारा पैसे दे करके, लाख दो लाख रुपए दे करके जब भारत में जब ऐसे हादसे कराई जा सकती है, ऐसे विस्फोट कराई जा सकती है, बस एक्सीडेंट कराई जा सकती है, ट्रेन हादसा कराया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों को मिला करके और सिर्फ 5-10 लाख करोड़ रुपया दे करके जब इतनी बड़ी भारत के लिए नुकसान पहुँचाई जा सकती है, हज़ारों लोग को मारा जा सकता है, तो आखिर उन लोगों को क्या ज़रूरत है कि हम भारत में जा कर के बम विस्फोट करें, भारत में आतंकवादी भेजें, भारत में हम पाकिस्तान आर्मी से फायरिंग कराएं, ऐसा उन लोगों को कभी ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि उन लोगों का जो सारा काम है, जो उन लोगों का एजेंडा है और सारा काम उन लोगों के द्वारा सिर्फ पैसे के बदौलत भारत में रहने वाले लोग ही जब कर दे रहे हैं, तो पाकिस्तानी लोगों को आकर के आत्महत्या करने की क्या ज़रूरी है, अपने जा कर के बम विस्फोट करने की क्या ज़रूरत है। और यही चीज़ हमें समझना होगा कि आज किस तरह से भारत को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिल करके भारत के ही कुछ लोग हैं जो कि षड्यंत्र के माध्यम से षड्यंत्र रच करके भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात हो सकती है कि हमें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस तरह से आज जांच करने के बोल करके इस तरह से उस फाइल को बक्से में रख दिया जाता है जो हमेशा से विलुप्त हो जाती है, जिसका कोई भी अता पता नहीं होता, और सोचिए यदि जांच भी हो जाए भारत में तो कितने लोग फंसेंगे। जो दोषी लोग होंगे, जो 5-10 लोग फंस सकते हैं, लेकिन जो ऐसा काम किया है, जो पाकिस्तानी साजिश हो सकती है चाहे कुछ भी हो सकती है, तो उन लोगों के द्वारा एक ही झटके में आराम से वहाँ पर एसी में बैठ करके जब भारत के अरबों रुपए खर्चा किया जा सकता है, हज़ारों लोगों को मारा जा सकता है, हज़ारों लोगों को घायल किया जा सकता है, तो उन्हें क्या नुकसान है। यदि इसके लिए 5 आतंकवादी से जुड़े हुए लोगों को जब जेल में ही डाल दिया जाएगा तो उन्हें कुछ ऐसा नुकसान देखने को नहीं मिलता।